नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अभिषेक बच्चन की 15 अक्टूबर 2007 को रिलीज फिल्म लागा चुनरी में दाग कैसी थी इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट कितना था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया और फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये फिल्म 15 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई थी और यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई थी। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रदीप सरकार ने और इसके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। दोस्तों जहां तक फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, कोंकणा सेन शर्मा, रानी मुखर्जी और अनुपम खेर प्रमुख कलाकार थे। इसके अलावा दोस्तों हेमा मालिनी भी एक छोटे से रोल में फिल्म में नजर आई थी। दोस्तों फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों फिल्म में एक महिला की जर्नी दिखाई गई है, मतलब ये एक महिला प्रधान फिल्म थी। इसका जो फिल्म का जो टैग लाइन है वो भी यही थी कि जर्नी ऑफ ए वुमेन। दोस्तों फिल्म में रानी मुखर्जी तथा कोंकणा सेन शर्मा दो बहनें हैं जिनमें रानी मुखर्जी बड़ी बहन है तथा कोंकणा सेन शर्मा छोटी बहन है। तो दोस्तों ये वाराणसी में गंगा किनारे रहते हैं और दोस्तों दोनों काफी मस्त है, काफी हसमुख है और अपने जीवन अच्छी तरह से गुजार रही है। लेकिन दोस्तों परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण रानी मुखर्जी काम की तलाश में मुंबई आती है। लेकिन दोस्तों चूंकि परिवार की खातिर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी तो उनको कोई अच्छा काम नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों किस प्रकार रानी मुखर्जी को वहाँ शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है फिल्म में बताया गया है और किस प्रकार फिर वो एक एस्कॉर्ट बन करके अपने परिवार का लालन पालन करती है तथा परिवार से अपनी निजी जिंदगी की सारी बातें छुपाती है, यही सब कुछ फिल्म में दिखाया गया है। और किस प्रकार फिर उसका राज सबके सामने खुलता है, फिर उसको परिवार वाले स्वीकार करते या नहीं करते, उसके प्रेमी के रोल में अभिषेक बच्चन थे, वो किस प्रकार उनको मतलब स्वीकार कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यही सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया था। तो दोस्तों ये फिल्म एक महिला प्रधान फिल्म थी और स्टोरी में कोई विशेष नयापन नहीं था, ऐसी स्टोरी में पहले भी कई फिल्में बन चुकी थी। और दोस्तों फिल्म का स्क्रीन प्ले कोई खास अच्छा नहीं था और फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं थी, इसलिए दर्शकों को ज्यादा फिल्म ये पसंद आई नहीं थी। और दोस्तों जहां तक फिल्म के जो कलाकारों की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इसमें रानी मुखर्जी का रोल बहुत ही शानदार था, अभिनय बहुत ही अच्छा था। वहीं दोस्तों कोंकणा सेन शर्मा ने भी अपना रोल अच्छे से प्ले किया था और साथ में दोस्तों अभिषेक बच्चन का रोल उतना ज्यादा नहीं था लेकिन जितना भी रोल उनको मिला उन्होंने ठीक ठाक तरीके से प्ले कर दिया था क्योंकि उनके लिए कोई ज्यादा स्कोप था नहीं इस फिल्म के अंदर करने के लिए। वहीं दोस्तों कुणाल कपूर भी एक अहम भूमिका में थे और उन्होंने भी अपने रोल को बड़ी ही संजीदगी से प्ले किया था। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि जो फिल्म का बजट था वो करीब 15 करोड़ रुपए था लेकिन इसने भारत में करीब 17 करोड़ रुपए के करीब ही नेट कलेक्शन कर पाई थी। और दोस्तों जहां तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 25 करोड़ रुपए रहा था और दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप कहा गया था। हालांकि दोस्तों इस फिल्म ने अपना बजट करीब करीब कवर कर लिया था। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। तो दोस्तों पहला फैक्टर ये है कि इस फिल्म का पहले नाम चूड़िया रखा गया था, बाद में नाम बदल करके लागा चुनरी में दाग कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों अभिषेक बच्चन तथा रानी मुखर्जी की साथ में ये 7th मूवी थी और ये लास्ट मूवी भी थी, इसके बाद में वो दोनों किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए थे। साथ ही दोस्तों आपको भी बता दूं कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग वाराणसी, मुंबई तथा स्विट्जरलैंड में की गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।